आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर विवाद पर उन्होंने कहा कि मंदिर में चादर या धूप चढ़ाने की परंपरा पुरानी है, 100 साल पुरानी परंपराओं को रोकना सही नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल प्रसिद्ध मंदिर से लगी दरगाह की ओर से अगरबत्ती जलाने की परंपरा रही है। हजरत पीर सैयद गुलाब शाह वाली बाबा दरगाह के वार्षिक उर्स में 13 और 14 मई की रात शामिल कुछ मुसलमान युवकों को मंदिर के प्रवेश द्वार पर अगरबत्ती चढ़ाने से रोक दिया गया था। फिर मंदिर के एक अधिकारी द्वारा सिर पर फूलों की चादर लादे दिखे युवकों के खिलाफ जबरन प्रवेश की शिकायत भी दर्ज कराई गई। इसी के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ IPC की धारा 295 धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या पवित्र करना के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर विशेष जांच दल के गठन का ऐलान कर दिया था। 2 दिवसीय यात्रा पर नासिक आए राज ठाकरे ने कहा कि देश में कई मंदिर और मस्जिद हैं जहां लोगों के बीच आपसी भाईचारा है। मुंबई में माहिम पुलिस के अधिकारी माहिम दरगाह पर दशकों से चादर चढ़ाती रही हैं। ठाकरे ने कहा कि उन्होंने भी मस्जिदों और दरगाहों का दौरा किया है, बाहरी लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि त्र्यंबकेश्वर का मुद्दा स्थानीय निवासियों का है और उन्हीं को निर्णय लेना चाहिए। बाहरी लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अगर कोई परंपरा वर्षों से चली आ रही है तो उसे रोकना ठीक नहीं है। क्या हमारा धर्म इतना कमजोर है कि अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है तो वह अपनी पवित्रता और दिव्यता खो देगा। राज ठाकरे ने इस तरह की बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश करने, गलत फहमियां फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर भी उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी चीजों को लेकर कोई हिंसा ना हो।